आज स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती है। इसी मौके पर मोदी सरकार ने एक योजना की शुरुआत की है। नरेंद्र मोदी खुद इसकी जानकारी दे रहे दिल्ली में। आइए सीधे आपको ले चलते हैं दिल्ली। छोटे छोटे उद्यमियों की, वहां की महिलाओं की दिक्कतें किसी से छिपी हुई नहीं है साथियों। लोगों को इन दिक्कतों से मुक्ति मिले, जल स्तर में सुधार हो, इसके लिए हमें जागरूकता अभियान चलाने होंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और जरूरी डेटा को हमें जोड़ना पड़ेगा। और सबसे प्रमुख बात, हमें जल संरक्षण और जल संवर्धन पर बल देना होगा ताकि पानी की एक एक बूंद का उचित उपयोग हो। और ये आखिर होगा कैसे? इस टीम का नेतृत्व करेगा कौन? क्या अफसर करेंगे, सरकारी मुलाजिम करेंगे, ब्यूरोक्रेट करेंगे? जी नहीं, इसके लिए हमें उन लोगों तक जाना होगा, उन लोगों को जोड़ना होगा जो पानी का इस्तेमाल करते हैं, जो पानी के संकट से प्रभावित है। इसके लिए हमें अपनी उन माताओं बहनों के पास जाना होगा जो घरों की असली मुखिया होती है। घरों में पानी का उपयोग जरूरत के अनुसार ही हो, जहां तक संभव हो रिसाइकल किए पानी से काम चलाया जाए। उसको लगेगा कि हाँ आज नंबर नहीं आया, फिर वो कोई ना कोई समय दूसरा तय करेगा। या अधिकारी को भी लगेगा कि मेरे पास लोगों की जो आमदन है, लोगों का जो फुटफॉल है वो ज्यादा है, मुझे और समय ज्यादा देना चाहिए, एक घंटे के बजाय दो घंटे देना चाहिए, दो घंटे देना चाहिए। लगता है एक दिन के बजाय दो दिन हफ्ता में देना चाहिए, तीन दिन देना चाहिए। कभी कभी तो ऐसे ऐसे अच्छे अधिकारी और कर्मचारी मुझे ध्यान में आए हैं, 5 बजे के बाद भी लगे रहते हैं। और वो लगे रहते तो जनता के प्रति उनके मन में जो भाव जाता है कि भाई ये आदमी है, अच्छा आदमी है। हमारे पास जब ट्रांसफर के कागज लेके आते हैं लोग, तो आके कई बार कहते हैं कि मेरे यहां वो जो एक्सएन है ना, या जो एडीसी है ना, या वो जो सुपरिटेंडेंट है ना, ये भेजना, ये अच्छा आदमी है। और कभी कभी कहते हैं भेज कोई देना, लेकिन ये मत भेज देना, एक का नाम ले जाते हैं, ये तो 4 विश्लेषण लगा के जाते हैं उसके साथ। तो हम सब लोगों को समझना चाहिए। मैं प्रदेश भर के सारे, आज मेरे साथ मैं समझता हूं लगभग 15,000 कर्मचारी अधिकारी जुड़े हैं, तो इन 15,000 अपने अधिकारी और कर्मचारियों के माध्यम से मैं कहता हूं, न केवल कर्मचारी अधिकारी बल्कि जनप्रतिनिधि भी, कि अपने 3-3.5 लाख हम लोग हैं, 3.5 लाख के 3.5 लाख लोग मन में विचार करें कि मैं जनता का हूं, जनता मेरी है। अगर हमने ये समझ लिया कि वो प्रजा है, मैं शासक हूं, और शासक का काम सेवा नहीं है, रोब जमाना है, तो इसका मतलब हम अपने काम में कुल मिलाकर डीरेल हो चुके हैं। हमारा काम जनता की सेवा करना है। हम आखिर, हमारी भी कुछ इच्छाएं हो सकती हैं, उन इच्छाओं में अगर हम कोई बात अपने सामने रखें तो सबसे पहले हम रखें, एक तो योगक्षेम तो हमारा होता ही है। हमें आखिर सरकार तनख्वाह देती है, कम नहीं देती है, पर्याप्त देती है, हर प्रकार के स्केल मिलते हैं, कभी 5वां वेतन आयोग, फिर 6ठा वेतन आयोग, फिर 7वां वेतन आयोग। और हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है जिन्होंने 7वां वेतन आयोग देश में सबसे पहले लागू किया। और कर्मचारियों की जितनी डिमांड्स होती हैं, मेरे पास आज एक वो भी आया था कि आप ये भी पढ़ के सुनाइए, मैं इतना समय नहीं है मेरे पास, कि पिछले 5 साल में कर्मचारियों के हर, यानी डिपार्टमेंट के कर्मचारियों के लिए उनकी जो डिमांड्स थी प्राय प्राय हमने सब मानी है। अब ये अलग बात है, डिमांड ऐसी चीज होती है कि जितनी मान ली जाए वो पीछे, और क्या, अभी और क्या वाला अध्याय चलता है। लेकिन मेरा ये कहना कि हम मन में विचार करें कि जिनको ये भी नहीं मिलता समाज के अंदर, वो अपना कैसे गुजारा करता होगा। हमारा आज ग्रुप डी 16-17-18 हजार से शुरू होता है, और एक आईएएस 2-2.5 लाख तक जाता है। लेकिन ऐसे लोग भी हैं जो 5,000-6,000 रुपए की भी महीने की मार है, उनको उतना भी नहीं मिल पाता है। हमने अपने बीपीएल में कंडीशन रखी है कि साल में जिसकी 1,80,000 रुपए भी आमदन नहीं है, अर्थात परिवार की, पूरे परिवार की 15,000 रुपए से भी कम है, हम उसको विशेष सहायता देंगे।
इसका मतलब परिवार में एक दो तीन लोग कमाने वाले हैं, वो सब मिलाकर 15,000 भी नहीं कमाते, ऐसे लाखों परिवार हैं। हमें एक मौका मिला है सेवा और मेवा दोनों का, मेवा मिल रहा है, सेवा करनी चाहिए। तो योगक्षेम के नाते किसी को कठिनाई दिक्कत नहीं है, पर्याप्त है। आवश्यकता पड़ने पर और आगे बढ़ना होगा, वो भी बढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और साथ में हमको हमारी एक पहचान है, ये सरकारी कर्मचारी है, ये सरकारी अधिकारी है। और सरकारी कर्मचारी अधिकारी की एक पहचान जब बनती है, उसका मान सम्मान भी होता है, मान मिलता है। को बदल नहीं पाएंगे। इसके अलावा गन्ना हो, धान हो, बहुत सी ऐसी फसलें भी है जो बहुत ज्यादा पानी चाहती है। इस प्रकार की फसलें जहां होती है वहां कई बार ये पाया गया है कि इन जगहों पर भूजल का स्तर तेजी से घटता जा रहा है। इस स्थिति को बदलने के लिए हमें किसानों को वर्षा जल के संचयन के लिए, वैकल्पिक फसलों के लिए जागरूक करना होगा, उन्हें इस आंदोलन का नेतृत्व किसानों को देना होगा। ज्यादा से ज्यादा माइक्रो इरिगेशन की तरफ बढ़ना होगा। मुझे बराबर याद, मैं गुजरात में था, मैंने वहां जो शुगर फैक्ट्रीज थी उनको बड़ा दबाव डाला था, और वो गलत रास्ता अपनाएगा ही अपनाएगा, लेकिन संतुष्टि इस बात में होनी चाहिए कि मुझे मिल रहा है इससे संतुष्टि, वो तो होगी ही होगी, मैं कर क्या रहा हूं इससे संतुष्टि होनी चाहिए। आत्म संतुष्टि इसने कि जिस काम के लिए सरकार ने मुझे रखा है, जिस काम के लिए मुझे अवसर मिला है, वो काम पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये संतुष्टि हर व्यक्ति को होनी चाहिए जब अच्छा काम करता है। तो आज मैं अपने सरकार को, सरकार के साथ जुड़े सब लोगों को, जिनका काम है ये कि हमारी 2.5 करोड़ 2.75 करोड़ जनता, इसमें हम जो 3.5 लाख लोग हैं, ये 3.5 लाख लोग उनकी कैसे सेवा कर सकते हैं। तो इसलिए इस संतुष्टि के साथ हम अपने काम का निष्पादन करें, और वो काम जो है, काम तो हो जाते हैं, लेकिन उसमें 2-3 फैक्टर और ध्यान रखने हैं। क्या समयबद्ध किया कि नहीं किया? अगर समयबद्ध नहीं किया, काम तो हमने कर दिया, लटका के किया, एक व्यक्ति को 20 चक्कर कटाए फिर भी उसका काम हमने नहीं किया 21वें 22वें चक्कर में, तुमको करना है। समयबद्ध करने के लिए हमने बहुत सी व्यवस्थाएं खड़ी की हैं। राइट टू सर्विस एक्ट में समय की बड़ी पाबंदी लगाई गई है कि आप कोई सर्विस देते तो इसके लिए इतना समय लगेगा, किसी को 10 दिन, किसी का 15 दिन, किसी का 25 दिन, नहीं तो उसके ऊपर दंड भी लगेगा। अब यह अलग बात है कि राइट टू सर्विस एक्ट में अभी उसका पालन होता नहीं है। पालन हो, कठोरता से उसके इंतजार क्यों करें? हम उस सिस्टम को एक बार समझ लें कि हमारे से अपेक्षा क्या की गई है। जो काम जनता का, इसके लिए कितने दिन सुनिश्चित किए गए हैं, उतने दिन में काम करना ही चाहिए। और दूसरा, नियमानुसार करना चाहिए। मैं नहीं कहता कि नियम को तोड़ के करना चाहिए, नियम के अनुसार करें। कभी कभी एक व्यवस्था ऐसी, समय ऐसा आता है, अवसर ऐसा आ जाता है कि नियम अनुसार काम व्यक्ति का हो नहीं रहा, व्यक्ति ज्यादा मेरा काम होना चाहिए, तब हमको विचार करना चाहिए कि क्या ये जो सोच रहा है इसका काम होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अगर होना चाहिए तो नियम आड़े आ रहा है, तो नियम को क्या करें? अब नियम बदलने के लिए आप कहेंगे कि हमारे पास तो अधिकार नहीं है, और ये अधिकार निश्चित रूप से वही व्यक्ति जब किसी एमएलए एमपी के पास जाएगा, वहां से सरकार के पास चीजें आगे बढ़ेंगी, तो नियम बदलने का काम तो हमारे पास है। हम नियम और कानून को बदल भी सकते हैं, हेतु नियम का पालन कराना नहीं है, नियम अनुसार जनता को संतुष्ट करना है। संतुष्ट करना पहला हमारा काम है, और अगर संतुष्ट करने में नियम आड़े आ रहा है तो मैं आपको वायदा करता हूं कि हम उस नियम को बदल देंगे, हम उस नियम को नहीं रखेंगे। रूल्स फॉर अस, वी आर नॉट फॉर रूल्स। हम नियमों के अधीन नहीं हैं, नियम हमारे अधीन है, जनता के अधीन है, और बहुत बार ऐसा करना पड़ता है। एक बार एक नौजवान ने, स्टार्टअप नौजवान, तो उसने एक ऐप बना दी। ऐप क्या बनाई? पेट्रोल पंप के लोगों को, जनता को उसका कंसर्न था दोनों का, कि कोई भी उस ऐप पर
किसी पेट्रोल पंप को उसका नाम भरेगा और उसको कहेगा कि मेरे घर पर डीजल पेट्रोल ये भिजवा दीजिए, 10 लीटर 20 लीटर मुझे जरूरत है, मेरी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया, घर भेज दीजिए। ऐप बन गया, कुछ से पेट्रोल पंपों ने उसका पालन करना शुरू कर दिया। बाद में डिपार्टमेंट ने कहा कि आप क्या कर रहे हो, ये तो नियम में नहीं है, जो भी कोई पेट्रोल डीजल लेगा वो पेट्रोल पंप पर आके ले सकता, तुम उसके घर सप्लाई नहीं कर सकते। और उस व्यक्ति ने तो उसके मन में खीज थी कि आखिर घर में लोगों को क्यों नहीं लाभ मिलना चाहिए। वो पेट्रोलियम मंत्री के पास गए, उनका कि मैंने एक ऐप बनाया है और जनता को उसका बड़ा लाभ होगा, एक सीमित मात्रा तय की है कि उसकी गाड़ी के लिए, मोटरसाइकिल के, स्कूटर के लिए उसका खत्म हो गया, वो कहीं ना कहीं मंगवा सके। होम डिलीवरी बाकी चीजों की होती तो डीजल पेट्रोल की क्यों नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कैबिनेट में विषय रखा, मंत्री ने, कैबिनेट ने पास किया कि ठीक है, नियम बदला और आज की डेट में आप उस ऐप का यूज करके पेट्रोल डीजल या कोई भी साधन जो है आपकी गाड़ी में डलने वाला घर में मंगवा सकते हैं। तो नियम कई बार बदले जाते हैं, नियम आवश्यकताओं के हिसाब से भी बदले जाते हैं, नई नई जरूरतें आती रहती हैं, उन नई जरूरतों के अंदर लगता है कि ये समस्या आ गई, पहले तो कभी ध्यान में आई नहीं थी, समस्या का हल करना तो कैसे करें। इसके लिए एक उदाहरण देता हूं मैं, एक हमारे हरियाणा में भी हम पावर डिपार्टमेंट की ओर से एग्रीकल्चर को एक निश्चित समय के लिए कनेक्शन, उसका वो पावर जारी करते हैं, कितने घंटे करते हैं कोई पावर का आदमी यहां बैठा तो एग्रीकल्चर को, कोई है एग्रीकल्चर पावर का आदमी? अभी 10 घंटे कर रहे हैं, पहले हम करते थे 8 घंटे करते थे, अब वो सामान्य दिन में करते हैं क्योंकि किसान को दिन में चाहिए, दिन में अपना खेत में पानी लगाता है वो, रात को उसको देते हैं, उसको भी कठिनाई होती है। लेकिन वहीं उस ट्यूबवेल के पास किसान ने अपनी ढाणी बना रखी है, अब वो ढाणी से उसका कनेक्शन उसने ले लिया। एक तो उसने गलती ये की कि ढाणी का कनेक्शन उस लाइन से ले लिया, वो एग्रीकल्चर की लाइन है, एग्रीकल्चर का कोई टैरिफ तो है नहीं, बड़ा सस्ता 10 पैसे यूनिट है, लेकिन डोमेस्टिक का वो ज्यादा बनता है। अब वो कहता है मेरी ये परेशानी है, मुझे तो लाइट चाहिए, मैं यहां बैठा हूं, मुझे और दूसरी लाइन ला के दो। अब दूसरी लाइन 5 किलोमीटर उसको ले जाकर देते हैं तो बहुत बड़ा खर्च बैठता है, तो क्या करें? रात को किसान को नहीं चाहिए, दिन को चाहिए, रात को घर में चाहिए, किसान एक ही है। तो इसके लिए किसी व्यक्ति के ध्यान में आया कि एक नया सिस्टम खड़ा करते हैं। उसने एक ट्रांसफार्मर बनाया जिसका नाम था पैट ट्रांसफार्मर, पीएटी, उसने पेटेंट भी कराया है। पैट ट्रांसफार्मर से 16 घंटे लाइट दी जाती है, जिसमें से वो ट्रांसफार्मर अपने आप 8 घंटे के लिए तो एक लाइन पावर को दे देता है, 3 फेज हो तो 3 फेज दे देता है, और एक लाइन सिंगल फेज की रात के 8 घंटे वो ढाणी को दे देता है। उसने सिस्टम बना दिया। अब सिस्टम बनाया तो उसने एक समस्या का हल निकाल दिया, हमने उसको हरियाणा में प्रयोग किया, अब धीरे धीरे वो बाकी कंपनियां बना रही हैं और भी, यानी आवश्यकता के हिसाब से ये चीजें खड़ी होती हैं। अब ये जब इस प्रकार के नए नियम बनाने के लिए यदि कोई भी व्यक्ति बना सकता है, तो जब समस्या का समाधान करने के लिए हमको ध्यान में आता है कि ये नियम गलत है, उसका दिमाग में विचार करें, नियम को ठीक कराना है, तो सुझाव आप भी भेज सकते हैं, बल्कि जनता और प्रतिनिधि से ज्यादा समस्या का समाधान आप लोग ढूंढ सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है कि समस्या ये है, समाधान ये है। वह है हमें उससे अनेक गुना काम आने वाले 5 साल में करना है, यानी 5 साल में 15 करोड़ घरों तक पानी, साफ पानी, पाइप से पानी पहुंचाना है। आपने देखा होगा इन दिनों दिल्ली में पानी को लेकर के कितनी जागरूकता और कितनी नाराजगी आई है लोगों की, चारों तरफ से आवाज उठ रही है कि हमें दिल्ली में देश की राजधानी और गंदा पीने का पानी अशुद्ध चिंता का विषय बना हुआ है, और इसके लिए अगले 5 वर्षों में केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर के 3.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च पानी के लिए खर्च करने जा रहे हैं। हो सकता है कल कोई हेडलाइन बना देगा 3.5 लाख करोड़ पानी में, साथियों पानी अपने आप में ये संकल्प हमारा बहुत बड़ा विराट है,
लेकिन हमारे पास सफल होने के सिवाय देशवासियों के पास कोई विकल्प नहीं है। और मुझे विश्वास है जिस प्रकार से स्वच्छता के अभियान में देश का हर वर्ग जुड़ गया, मीडिया ने भी नेतृत्व किया, कॉरपोरेट वर्ल्ड ने भी नेतृत्व किया, गवर्नमेंट मशीनरी ने नेतृत्व किया, हर किसी ने इसको अपनी जिम्मेवारी माना, पानी को भी हर किसी को अपनी जिम्मेवारी समझना होगा। और पानी परमात्मा ने दिया हुआ प्रसाद है। उसके वेटिंग रूम में कोई बना हुआ तो वहां पंखा है कि नहीं है, गर्मी में कोई आवश्यकता लगे तो इसी का प्रबंध कर सकते हैं। सरकार के पास, मैंने बताया, व्यवस्थाओं को खड़ा करने के लिए कोई कठिनाई नहीं है। अभी हमने ई दिशा केंद्र और सरल और अंत्योदय केंद्र शुरू किए। मैं स्वयं 2-3 जगह होके आया, करनाल में होके आया, अभी पीछे गुरुग्राम में भी गया, सब जगह जाके देखा, फुटफॉल बहुत है, बहुत भीड़ हो गई है, लोगों के बैठने की जगह नहीं होती है। उसकी व्यवस्था के लिए भी हम सुझाव दे सकते हैं कि अगर फुटफॉल ज्यादा है, भीड़ ज्यादा है, तो क्या एक ही स्थान पर करना जरूरी है? हम 2 स्थान पर भी बना सकते हैं, 3 स्थान पर भी बना सकते हैं। आखिर तुम जनता के सेवक हैं तो जनता की सेवा करने का भाव ये मन में जागना चाहिए। इससे ही हम जो अपने उस गुड गवर्नेंस के मॉडल पर खरे उतर सकते हैं। इस गुड गवर्नेंस में कुछ जो चैलेंजेस हैं, उन चैलेंजेस को भी हमको समझना है। एक तो बढ़ती हुई आबादी, ये अपने आप में चैलेंज है। ये ठीक है कि उसका जिसने जो करना, पॉलिसी बनानी बनाएंगे, आबादी बढ़नी चाहिए कि नहीं बढ़नी चाहिए, लेकिन हमारे लिए तो चैलेंज है कि अगर आबादी बढ़ रही है तो उतना ही लोड बढ़ेगा शासन के ऊपर, व्यवस्था के ऊपर। तो हमको ऐसी व्यवस्था खड़े करने के लिए अपने पहले से प्रबंध कर लेना चाहिए। हम करते ही हैं, नई नई प्लान, नई नई योजनाएं आगे के लिए बनाते हैं, करते हैं, लेकिन कभी कभी चूक हो जाती है। तो चूक होने पर ऐसा नहीं हाथ पर हाथ रख करके बैठे रहेंगे कि जब ये कुछ भीड़ हो जाएगी, आबादी बढ़ जाएगी, उसके बाद व्यवस्था खड़ी करेंगे। इसको विजुअलाइज करना चाहिए, आगे आने वाले समय की प्लानिंग बनानी चाहिए कि आज हम 2019 में हैं, 2025 तक क्या होगा, 2030 तक क्या होगा। या मानो लंबी प्लानिंग नहीं, मेरे जिम्मे तो छोटा काम है तो मैं एक ही साल का विचार करूंगा, सीजन के हिसाब से करूंगा। बहुत सेवाएं तो सीजन के हिसाब से देनी पड़ती हैं कि इसका सीजन मार्च में आएगा, इसकी सीजन यानी किसान की मंडी का जो सीजन आ रहा है वो तो अप्रैल से लेकर के और मई तक 2 महीने उसकी फसल आनी है, उसने मंडी में भीड़ हो जानी है, उस समय मेरी व्यवस्थाएं पिछले साल की अपेक्षा इस बार कम है कि ज्यादा, पहले से ही करनी पड़ेंगी। बरसात आ गई, उसमें पहले से व्यवस्था हमको करनी पड़ेगी। तो ये बड़ी बड़ी जगह पर तो सब चंडीगढ़ लेवल पर तो करते ही हैं, लेकिन चंडीगढ़ लेवल पर तो केवल योजना बनती है। योजना को सिरे चढ़ाने का काम हमारा जो सबसे ग्राउंड लेवल पर बैठा हुआ जो हमारा कर्मचारी अधिकारी है, उसको देखना होगा कि उस अनुसार वहां से चीज आई तो मैं कर पा रहा हूं कि नहीं कर पा रहा हूं। मेरे करने में कोई कठिनाई तो नहीं है, प्रशासनिक हर्डल्स भी आती हैं, मैं नहीं कहता नहीं आती हैं, लेकिन उस प्रशासनिक हर्डल्स में आप अपना फाइल की कार्रवाई करिए, लेकिन फाइल की कार्रवाई के साथ साथ अपने 1 लेवल या 2 लेवल ऊपर अधिकारी के साथ अपने संबंध बना के रखिए कि मैंने कार्रवाई तो कर दी फाइल की, लेकिन इसमें से हल नहीं हो रहा। आप वर्बली उनको फोन पर बात करिए, मिलकर बात करिए कि मेरी समस्या का हल कराइए। ये ठीक नहीं होगा कि हम अपने इमीडिएट जो हमारा ऊपर का अधिकारी है उसको राइटिंग में फिर और ऊपर शिकायतें करने लग जाए, व्यवस्था टूट जाएगी, अनुशासन भंग हो जाएगा। लेकिन हमारे इतने संबंध व्यक्तिगत होने चाहिए अपने दूसरे तीसरे लेवल के अधिकारी के पास भी कि हम लोग उनको बता सकें कि मेरे यहां सिस्टम में चीजें आगे नहीं बढ़ रही हैं, चीजें आगे बढ़ाने के लिए आप इसमें हस्तक्षेप करिए। समयबद्ध चीजें आगे बढ़ सकती हैं और हम इस आबादी का जो स्वरूप है इसको बढ़ती हुई आबादी के हिसाब से योजना बना सकते हैं। एक समाज के अंदर डिस्टर्बेंसेस होती हैं, उन डिस्टर्बेंसेस में जैसे मान लो कभी कभी कोई व्यवस्था के खिलाफ लोगों ने आवाज उठा दी, भीड़ है, प्रदर्शन है, कभी कभी तो हिंसा तक बात पहुंच जाती है। ऐसे समय पर जो संबंधित विभाग हैं, डिपार्टमेंट हैं, उनको हर प्रकार की कंटिंजेंसी की प्लान भी अपनी बनानी चाहिए कि मेरे यहां ये समस्या अगर थोड़ा सा रूप बढ़ा गई, विकराल रूप ले गई, मैं इसको कैसे हल करूंगा। अब अनजाने में लोग कर जाते हैं, उनको बहुत दोष देने से और उनके खिलाफ बहुत बड़ी कार्रवाई करने से ही कोई डर बैठेगा, ऐसा नहीं है। कभी कभी तो पहले से सोच के रखना पड़ता कि स्थिति उत्पन्न ही ना हो। हाँ, उत्पन्न हो गई और एक सीमा
लांग गई तो फिर कठोर कार्रवाई करने भी हमको हिचकना नहीं है, क्योंकि हमको तो सारी जनता को एक विश्वास दिलाना कि शासन जो है मजबूत है, शासन में ढिलाई नहीं है। लेकिन मजबूत का मतलब यह नहीं है कि हर छोटी बड़ी गलती के ऊपर हम किसी को एकदम टांग देंगे। कहते हैं कि ह्यूमन इज एर, क्या कहते हैं, एर इज टू एर इज ह्यूमन, हाँ, यानी मनुष्य गलतियों का पुतला है, कर बैठता है। कभी कभी तो गलती बोनाफाइड हो जाती है, पता नहीं लगता गलती हो गई, अनजान में हो जाती है, अज्ञानता में हो जाती है। लेकिन मैलाफाइड इंटेंशन नहीं होना चाहिए। अगर मैलाफाइड इंटेंशन से कोई करता है तो चाहे फिर वो अधिकारी है, कर्मचारी है, नेता है या जनता का कोई आदमी है, उसके खिलाफ कार्रवाई दंडात्मक होनी ही चाहिए, क्योंकि जनता का विश्वास उसमें से जागेगा। तो इसलिए ऐसे कामों के लिए भी हमको, और तीसरा मैंने बताया भ्रष्टाचार, जैसे पहले उल्लेख किया कि भ्रष्टाचार भी एक अपने आप में चैलेंज है, इसके भी नए नए तरीके लोग निकाल लेते हैं, और ऐसे ऐसे तरीके निकालते हैं कि अगर कोई पीएचडी करने वाला व्यक्ति पीएचडी करने लग जाए तो पीएचडी कर सकता है कि हमने कानून ये बनाया था, उसने इसको तोड़ने के लिए कैसे उसने भ्रष्टाचार कर लिया। तो ये हर समय जिनके दिमाग में ये है उनको भ्रष्टाचार से कैसे रोकना है, काटना है, तो तुरंत उतनी चुस्ती फुर्ती से हमको भी इसका कोई ना कोई इलाज ढूंढना चाहिए। और एक भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सबसे कारगर जो उपाय हमें अब तक ध्यान में आया है कि जितना ह्यूमन इंटरफेस हम कम करेंगे, जितना ई गवर्नेंस पर आएंगे, उतना भ्रष्टाचार कम होगा। डिस्क्रिशनरी पावर को छोड़ना होगा जितना कम से कम, क्योंकि डिस्क्रिशनरी पावर कभी कभी इसलिए दी जाती है कि आपको लगता है कि नियम के अनुसार किसी एक व्यक्ति को लाभ नहीं मिल सकता। जीवन मिशन के दौरान एक और नई चीज की जा रही है, इस योजना की मॉनिटरिंग के लिए स्पेस टेक्नोलॉजी, हम जो सैटेलाइट छोड़ते हैं ना, कुछ लोगों को लगता है कि ये किस चीज के लिए है, तो मेरे गांव के किसान का भी भला कर सकता है। पानी के सारे स्रोत की जानकारियां हम स्पेस टेक्नोलॉजी के माध्यम से ले सकते हैं, हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके कर सकते हैं, हम इन सारी टेक्नोलॉजी का उपयोग करके इवन हर गांव का हम पानी कहां से कहां की तरफ जाता है और मंत्र बनाए, हर घर का पानी गांव में घर में रहे, हर गांव का पानी गांव में रहे, और पानी के जितने भी बहाव हो गांव के वो हम सैटेलाइट से उसकी फोटोग्राफी कर सकते हैं, 3D फोटोग्राफी कर सकते हैं, उसकी एक पेन ड्राइव हर गांव में रख सकते हैं, और गांव वाले तय कर सकते हैं कि इतनी इतनी जगह से पानी बहता है गांव का, तो वहां पर उसको रोक लिया जाए। अगर 7 दिन पर भी पानी रोक लिया, 10 दिन भी पानी रोक लिया, वो पानी नीचे जाएगा, धीरे धीरे वाटर टेबल ऊपर आना शुरू हो जाएंगे, उसी एक प्रक्रिया से पानी शुद्ध होना शुरू हो जाएगा। पानी की बहुत बड़ी ताकत होती है। आरोग्य को भी अगर कोई एक गारंटी देने वाली औषध है तो पानी है। शुद्ध पानी आपके अंदर इतना रेजिस्टेंस पावर बढ़ा देता है, आप कल्पना नहीं कर सकते। जब साबरमती नदी, आप में से जो लोग 15 साल पहले गए होंगे साबरमती रिवर पे, और उस समय 8वीं 9वीं कक्षा के बच्चों को अगर कहा जाए कि साबरमती नदी पर निबंध लिखो, तो वो क्या लिखेंगे, वो यही लिखते थे कि नदी में बालू का ढेर होता है, नदी में क्रिकेट खेला जाता है, नदी में सर्कस आता है तो उसका टेंट लगता है, क्योंकि उन्होंने वही देखा था। मुझे और तो कुछ सुझा नहीं, मैंने उठा करके चीफ सेक्रेटरी और PSCM को फोन किया, मैंने कहा भी ये जो ये खर्च करते हैं इनको कहां से आता है, वो भी चुप हो गए कि हमें तो पता नहीं कहां से आता है, DC बताएंगे। अब DC क्या बताएंगे, वो कहते हैं तो इनके जिम्मे पुराना चला आ रहा है सिस्टम, वही करते हैं, हम तो करते नहीं है। मैंने कहा उनको तुरंत हॉस्पिटैलिटी के नाम से हर जिले में कोई न्यूनतम व्यवस्था करो, और मुझे जहां तक ध्यान में है शायद DC साहब यहां के बताएंगे, उस समय 2 लाख रुपया साल का कराया था हॉस्पिटैलिटी के नाम से, चाय पानी का कराया था, आता कि नहीं आता है वो, कि भले ही अफसरों की चाय पिलानी है, नेताओं की चाय पिलानी है, अब हर नेता से 10-5 रुपए तो नहीं ले सकते, अमेरिकन सिस्टम तो यहां अभी नहीं है। अमेरिका में तो जिसको चाय पिलाते हैं कोई बड़े से बड़ा आदमी होता है उससे पैसे मांग लेते हैं, यहां इतना भी क्योंकि अतिथि देवो भव हम कहते हैं तो शायद उतना तो ना कर पाए हम, लेकिन उसकी व्यवस्था सरकार करेगी तो कम से कम तहसीलदार, और तहसीलदार में भी ईमानदार तहसीलदार, वो स्थायी रूप से ईमानदार बना रहेगा।
अब व्यवस्था बदलने का काम हमारे ध्यान में हमने कर दिया, आपके ध्यान में है तो आप भी कराओ, क्यों ना कराओ। ये भ्रष्टाचार होता क्यों है, इसकी जड़ में क्या है, और जड़ पकड़ में ना आए तो फिर मुंडी पकड़ लो, करना तो पड़ेगा। भ्रष्टाचार को सहन नहीं किया जाएगा। हमने पिछले दिनों में एंटी करप्शन डे के ऊपर भी इसी प्रकार का कार्यक्रम किया था, लेकिन वो संयोग ऐसा था कि एक छोटे ग्रुप में था। आज हमने कहा कि नहीं, सारी व्यवस्था पूरे प्रदेश के सब कर्मचारियों के सामने रखेंगे, और न केवल रखेंगे, अपील भी करेंगे। ये प्रदेश किसी एक आदमी का नहीं है, ये प्रदेश सब 3.25 करोड़ लोगों का है, और 3.25 करोड़ लोगों ने हमें जो जिम्मेवारी दी है तो जिम्मेवारी को हमने निभाना है। हम इसमें से 3.5 लाख लोग हैं, 3.5 लाख लोगों की जिम्मेवारी है कि इस प्रदेश को सुरक्षित रखना, इस प्रदेश को हर दिशा से आगे बढ़ाना, इसको हम आगे बढ़ाएंगे। कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग व्यक्तिगत संबंधों के आधार के ऊपर कभी कभी ढीला हाथ पर जाते हैं। संबंध तो बनेंगे हमारे, जब समाज में सेवा करेंगे, काम करेंगे, किसी उठना बैठना होगा, चाय पियेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तो दोस्तियां भी बनेंगी। तो गुरुग्राम से मुख्यमंत्री मनोहर लाल को आप सुन रहे थे, यहां से कर्मचारियों अधिकारियों को संबोधित कर रहे थे। भ्रष्टाचार को लेकर भी अपनी ओर से उन्होंने कहा कि इसे जड़ से खत्म करना होगा। इसके अलावा दिल्ली से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी भूजल योजना को लेकर जानकारी दे रहे थे।